अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस साइड ताबिंदा, और देख लीजिए सुबह हो चुकी है। सो आज है संडे, और आज भी अब हम चलेंगे, देखते हैं कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने, क्योंकि अभी मैंने दिल्ली एक्सप्लोर नहीं किया है। तो चलो चलते हैं। वैसे मेरा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दोनों जाने का मन है। देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, देखेंगे कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अभी देखते हैं, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, और फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है वो आई थिंक साल में एक बार खुलता है, ऐसा पता चला है। उसको मुगल गार्डन के नाम से भी पहले जाना जाता था। वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा गार्डन है सुना है, एंड अब उसका नाम शायद चेंज कर दिया है, कुछ अमृत उद्यान ऐसा कुछ रख दिया है। तो चलो देखते हैं कि कैसा है अमृत उद्यान और कैसा है राष्ट्रपति भवन। चलो फिर मिलते हैं जल्दी से तैयार होके वहाँ। बाय। तो चलो अब हम निकलते हैं राष्ट्रपति भवन। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम वही दुआ पढ़ते हैं, दैट इज़ बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो फाइनली हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन। वैसे तो हमारा मेट्रो से आने का मन था, लेकिन हम आए हैं बस से, और कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो ये है टिकट एरिया जहाँ पर हम टिकट लेते हैं। अब हम जा रहे हैं पानी की बोतल लेने, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत प्यास, और अंदर आपको पानी मिलता नहीं है। तो अब हम हो चुके हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो चलिए अब हम कर देंगे पूरा अच्छे से एक्सप्लोर, और आपको हर चीज दिखाएंगे। बहुत सारे फ्लावर्स, इतने फ्लावर्स मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। इतने अलग अलग तरीके के ट्यूलिप्स हैं यहाँ पर, करीब 100 टाइप्स के ट्यूलिप्स हैं, प्लस डॉफिरोडिल्स हैं, एशियाटिक लिलीज हैं, रोडिएटेड लिलीज हैं। देर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। और ये जो ऑरेंज वाले फ्लावर्स हैं, ये तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ इसमें अपना कैप्चर करूँ और क्या छोड़ूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये वाले आप फ्लावर्स देखिए, ये वाले फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए ज़रा, ये ऑरेंज वाले। सबसे खूबसूरत सा नज़ारा देखिए, ये है म्यूजिकल फाउंटेन। जितना अच्छे तरीके से म्यूजिक बज रहा है, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से यहाँ फाउंटेन अपने रंग दिखा रहा है। ये कितना ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है।
राष्ट्रपति भवन का पूरा नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। राष्ट्रपति भवन वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा भवन है और इसको बनने में पूरे 17 साल लग गए। 1912 से लेकर 1929 में इसका पूरा हुआ, ठीक है। और इसको जो आर्किटेक्चर में बनाया था वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया था। ये देखिए कितना प्यारा गार्डन है। इसको मुगल गार्डन कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका अमृत उद्यान नाम हो चुका है। लेकिन वंडरफुल, बहुत 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 अच्छा गार्डन है ये। तो चलो अब हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि संडे का दिन है और इतनी ज़्यादा भीड़ है इसमें, क्योंकि ये 1 महीने के लिए खुला हुआ है। तो देयर आर सो मेनी विजिटर्स टू कम हेयर टू विजिट द राष्ट्रपति भवन। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी फरवरी के मौसम में, बट आई वॉज रियली 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 इंजॉइंग हेयर। और अब हम आ चुके हैं इसकी ब्यूटीफुल सी गैलरी में। यहाँ पर बहुत सारे रोज़ हैं और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। मैं पूरा नहीं ले पाई बट जितना भी मैं कैप्चर कर पाई, इट वाज रियली वंडरफुल, वेरी वेरी वंडरफुल। मुझे लगता है जो इंसान यहाँ पर आ जाएगा उसको लगेगा ही नहीं कि वो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत है, सब भूल जाएगा। इतना ब्यूटीफुल गार्डन है ये। अगर आप दिल्ली के हैं तो ज़रूर आइएगा, और कहीं ओके के भी हैं तब भी आइएगा। और अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के लास्ट सिनेरियो पे, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ देखिए अब कितने तरीके के फ्लावर्स हैं, और इस तरीके से चक्कर लगा रहे थे हम लोग, जिस तरीके से वो 7 फेरे नहीं दिए जाते हैं उस तरीके से सारे आप देख रहे हैं, इसे चींटियों की तरह सारे लोग घूम रहे हैं। तो बहुत फ्लावर्स हैं यहाँ भी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। राष्ट्रपति भवन को कहते हैं टाटा बाय बाय, और हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, पेट पूजा की, क्योंकि इतना घूमने के बाद बहुत थक गए थे। एंड बस फिर हम निकले अपनी बस की, और एंड बस हम अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। फाइनली हम हो आए हैं राष्ट्रपति भवन। होपफुली आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद अदर्स ऑल्सो एंड सपोर्ट टू मी। टाइम नहीं मिल पाता है मुझे ज़्यादा, और संडे संडे का टाइम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जाने का। ये जो दिल्ली है, दिल्ली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मेरा ना काफ़ी मन था राष्ट्रपति भवन और इस तरीके के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ऐसी जगह पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो
आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोरिंग दिल्ली, सो जस्ट. और हाँ, एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे व्लॉग के ज़रिए वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि इसकी लाइफ बेस्ट है या उसकी लाइफ बेस्ट है, देखो ये कैसा घूम रही है, या देखो ये इसकी लाइफ कितनी चिल है, हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं चल रहा. देखिए, जिसकी भी लाइफ में जो भी चल रहा होता है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से चल रहा होता है. कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस वजह से वो चल रहा होता है. अगर आपकी लाइफ हैपनिंग नहीं चल रही है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से है, और अगर आपकी लाइफ हैपनिंग चल रही है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से. ओके. और कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में चल तो बहुत कुछ रहा होता है लेकिन हम हर चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं. ठीक है, तो हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए, एंड डेफिनेटली आप अल्लाह ताला से का जितना शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजता है. सो चलिए, इतनी होप, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ या किसी ट्रैवलिंग वीडियो के साथ मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Signing off.